अचानक मेहता का उल्टा चश्मा। हम कोई शादी का रिश्ता लेके नहीं आए हैं। लेकिन आप लोग तो मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे ना। मम्मी, ये पोपटलाल जी क्या बोल रहे हैं? देखिए पोपट बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कोई शादी का रिश्ता लेके नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आए थे? वो मेरी बेटी की शादी जिस घर में होने जा रही है ना, उनको छाते बहुत पसंद है, तो हम शादी में छाते का डेकोरेशन करना चाहते थे। और उस दिन आपने जो अमिताभ बच्चन जी को छाता दिया था ना, वो हमें बहुत पसंद आया, तो हम तो बस यही जानने के लिए आए थे कि वो छाता आपने लिया कहाँ से। ओ भाई 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 काय भाई, हाँ ये भगवान, ये कैसी लीला है। पोपटलाल की दिमाग की हालत से क्या खरन है बाबू। पोपटलाल, अपने आप को संभालो भाई। एक मिनट, आप लोगों ने बोला था ना कि आप अपनी बेटी की चटमंगनी और पट ब्याह करना चाहते हैं। वो तो पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 10 जनवरी का निकाला था, इसीलिए कहा था। अरे दूल्हा तो पहले ही फाइनल हो चुका है। हम तो बस छाते की दुकान का पता जानने के लिए आपके पास आए थे। लोग छाते को ढूंढ रहे हैं, अच्छा और कोई नहीं ढूंढता। बेटा, इससे पहले कि मैं इनकी दुनिया हिला दूं, इनको दूर कर दो मेरी नजरों से। प्लीज, अगर वो छाते की दुकान का एड्रेस मिल जाता तो। मारे छाते ने तब। अरे जाइए ना, प्लीज प्लीज जाइए। पोपटलाल, पोपटलाल, देखो अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पोपट भौजी। हाँ पोपटलाल, वो सतीश और उनकी फैमिली बाकी है ना अभी, उनको मना तो नहीं किया ना तुमने? मैंने मना किया था, लेकिन वो कुछ समझे उसके पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई। अरे वाह, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी तबीयत कैसी है उनकी? अभी पहले से बेहतर है, हाथी भाई ने दवाई दी है ना, अब वो ठीक है। चलो जाके उनसे शादी की बात कर लेते हैं। चलो चलो चलो। एक मिनट, मेरा हिसाब बाकी है। अभी क्या बोल रहे थे मेरे बाबा के बारे में उन लोगों को? दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके दिमाग के तार हिले हुए हैं। मेरे पीठ पीछे ऐसा बोलता तू भी तेंचा बदल? माधवी, मैंने ऐसा नहीं बोला। अरे कितनी जान छिड़कते हैं आप पर, ऐसा बोलता तुम्हें? नहीं नहीं, ये सब झूठे माधवी। कही है मेरी कसम। मतलब मैंने नहीं बोला है, लेकिन बोला है। माधवी, अभी भिड़ा ने गलती मान ली, इसे माफ कर दीजिए। ये बहुत शर्मिंदा है। क्या शर्मिंदा, पोपटलाल दिलजमा सारे, हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा भाई, सच तो बोल दो। माधवी भाभी, दरअसल इसमें गलती भिड़े की नहीं, मेरी है। पोपट भाऊजी, आज आप इनको बचाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं नहीं, आप मेरी पूरी बात शांति से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओ, मुझे आज सुबह अब्दुल का फोन आया। लड़की वाले मेरे दुकान पे आपको देखने के लिए आए थे, मैंने उनको आपके घर पे भेज दिया। मेरे घर पर पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। अरे मैं बिखरा पड़ा हूँ, जाके उनको रोक अब्दुल, वो मेरे घर पर नहीं पहुँचने चाहिए। भाभी भाभी, मैं लड़की वालों को आपके घर भेज दूँ ना? हाँ भेज दो भेज दो, कोई टेंशन नहीं है। पोपटलाल जी, हमें आपसे हमारी बेटी स्नेहा के शादी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। मेरे घर पर अभी अभी पेस्ट कंट्रोल का काम हुआ है, तो 2-3 घंटे मेरे घर पर नहीं जा सकते, उस घर में जाके बात करते हैं। पोपटलाल जी, मेरी बेटी की शादी के सिलसिले में मुझे आपसे बहुत सारी बात करने। हम लोग निकलते। क्या रुके, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है? अब वो जो अंकल अभी अंदर गए ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दोनों परिवार के बीच में मेरे साथ साथ आप लोग भी पिस रहे थे, इसमें गलती मेरी है, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी, मैं आपको ऐसे माफ नहीं करूंगी। मैं आपको तभी माफ करूंगी जब आप मेरे लिए भाभी लेकर आओगे। पोपट भौजी, एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। जो भी हुआ गलत हुआ, पर इसमें इस परिवार की कोई गलती नहीं थी और ना ही आपकी।
क्या है, उनको उनकी पूरी बात कहने का मौका ही नहीं मिला और ना ही आपके पास सुनने का टाइम था। नहीं मैं पोपटलाल, तुम तो बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहे थे। बात सही है, उसे जाके मिलके छाते वाले का नंबर दे देता हूँ। लगता है चले गए। हो रहा है सतीश जी, सतीश जी ने आलोक जी, आलोक जी वो ये वो जिनसे मैं छाते लेता हूँ ना, ये उनका कार्ड है। उनका नाम अनिल भाई तोलिया है। आप मेरे रेफरेंस से उनके साथ बात कीजिएगा, आपको एक से एक अच्छे छाते दिखाएंगे। ये लीजिए। थैंक यू। और सॉरी मैं ऊपर गुस्सा हो गया था। और शादी के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा जी। थैंक यू। थैंक यू पोपटलाल जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, इतना कुछ हुआ फिर भी आपने हमारी मदद की। हाँ पोपटलाल जी, आप दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत लकी होगी वो लड़की जिसके आप हस्बैंड बनेंगे। गुनगुन कुछ नहीं। थैंक यू पोपटलाल जी वंस अगेन, चलते हैं। नमस्ते। 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 शादी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप पोपट भाऊजी, आपने बहुत अच्छा किया। चलिए अभी दूसरी फैमिली से मिल लेते हैं जो पहले से आपको अपने परिवार का हिस्सा मान चुके हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे पोपटलाल का रिश्ता बन जाए। उम्मीद का है होड़ा रस। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलिए चलिए चलिए। पापा अब कैसा लग रहा है? एकदम फ्रेश। और इनकी सोडा पी के तो और राहत मिल गई। थैंक यू। पोपट बेटा आ जाए तो शादी की बात करके निकलते हैं। और अंकल जी, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नहीं, अभी कोई तकलीफ नहीं है, मस्त हो गया सब। बेटा ये आपकी फीस कितनी है? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप पैसे की बात कर रहे हैं? एक तरफ बेटा भी बोल रहे हैं और फीस का भी पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, कल कैसी तबीयत है आपकी? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। अरे एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा इलाज किया, मगर पैसे नहीं ले रहे। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आतिफ भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं। हाँ हाँ पापा, रहने दीजिए। और वैसे भी पोपटलाल जी भी तो हमारी फैमिली के मेंबर बनने वाले हैं। फैमिली मेंबर? चलो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुनगुन बेटा, सारी बात ठीक से हो गई है ना? हाँ पापा, सारी बात हो गई थी, बस वो आखिरी बात पूछनी रह गई है। अरे उसमें पूछना क्या, यहाँ सब समझदार है। मुझे पता है आप क्या पूछना चाहती थी। हाँ तो आप अपना जवाब भी बता दीजिए। पोपटलाल बोला लो कर। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ। अरे ये हुई ना बात। मतलब आपकी तरफ से भी हाँ ही है ना? हाँ। अरे क्यों नहीं, हमारी तो हाँ ही है। ओ, क्या बात है। अरे हमारी तो उस दिन से हाँ है जब से इसे हम लोग ने टीवी पे देखा था। हम तो पोपट बेटे की हाँ सुनने आए थे, जो सुन ली। अब आशा को कोई निराशा नहीं है। नहीं है। हमारा दूध वेस्ट नहीं गया, काम आ गया। वेस्ट जलो वेस्ट। ये भी। ये मोती। Congratulations, पोपटलाल भाई। क्या बात है पोपटलाल। Congratulations. वाह वाह मेरे पोपटलाल, तुमने कर दिया कमाल। थैंक यू। अब पोपट बेटे ने हाँ कह दी है तो देखना, मैं मेरी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा।
तो बोलो पोपट बेटा, शादी किस दिन तय करूं? पंडित जी ने मार्च महीने की 16, 19 और 25 तारीख दी है। बोलो तुम किस दिन फ्री हो, उसी दिन शादी करेंगे। किसी भी दिन रख लीजिए, मैं पूरा मार्च का महीना छुट्टी लेने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। 19 तारीख पंडित को बोल देता हूँ। हाँ हाँ, बोल दीजिए बोल दीजिए। चलो लड़के वालों को भी बोल देता हूँ। बोल दीजिए। एक मिनट, लड़के वालों को बोल देता हूँ मतलब? हाँ मतलब हमें बोल देंगे, लेकिन हमें फोन करने की क्या जरूरत है, ऐसे डायरेक्ट बोल दीजिए ना। नहीं नहीं, आप लड़के वाले नहीं है। तो मैं कौन हूँ? आप मेरे मुंह बोले भाई हो, भाई हो, भाई हो, भाई हो, भाई हो, भाई हो, भाई हो। पटेल अपने आप को संभालो। देखिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा पूरी बात बताएंगे प्लीज। मेरी बेटी का रिश्ता एक बहुत बड़े घराने में तय हुआ है, तो हम लोग चाहते थे कि पोपट बेटा मेरी बेटी का मुंह बोला भाई बनकर शादी में हमारे साथ आए, तो हमारी भी शान बढ़ जाए ना। अरे लेकिन पोपटलाल आपकी बेटी की शादी में आएगा, इससे आपकी शान कैसे बढ़ेगी? अरे ये अमिताभ बच्चन जी के साथ टीवी पे आए हैं ना, बहुत फेमस हो गए, सेलिब्रिटी टाइप्स एकदम। अब अगर ये मेरे मुंह बोले भाई बनकर मेरी शादी में आएंगे तो हमारी शान तो बढ़ेगी ना। हाँ। तो आते सीधे मुंह बोला भाई बनाने वाली बात पूछी क्यों नहीं? हाँ। आते ही सीधी मुद्दे की बात करें तो अच्छा थोड़ी लगता है। अरे लेकिन आप लोगों के बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि आप अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए पोपटलाल के लिए। नहीं ऐसा हमने कब कहा? हाँ हाँ आपने कहा था मेरी दुकान पे, याद कीजिए कि पोपट भाई से शादी के सिलसिले में बात करनी है। दरअसल हमें शादी के सिलसिले में ना पोपटलाल जी से मिलना था। अरे भाई वही तो बात करने आए थे कि पोपटलाल मेरी बेटी का मुंह बोला भाई बनकर शादी में आए। तो फिर उनके स्वभाव के बारे में क्यों पूछा था? अरे भाई बना के घर का सदस्य बना रहे हैं तो इंसान का स्वभाव भी तो पता होना चाहिए ना। और अभी अभी तो मैंने बोला था ना कि आखिरी बात पूछना बाकी है, तब पोपटलाल जी ने कहा कि वो समझ गए कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। मुझे लगा कि आप मुझे मेरी शादी की रजामंदी के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए तो मैंने हाँ बोला। नहीं नहीं, नहीं मैं तो आपको अपना मुंह बोला भाई बनाने के बारे में पूछने वाली थी। पोपटलाल सैया बनना चाहता था, ये भैया बना गई। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना बेटा, अब तो बताओ किस दिन रखो शादी? वो बोला भाई बन के आओगे ना शादी में? अरे तब से गोल गोल बातें करके दिमाग घुमा दिया, आते सीधा सीधा नहीं पूछ सकते थे? अरे पोपट बेटे हम सीधा सीधा पूछ लेते और तुम ना कह देते तो? तो थोड़ी देर के बाद मुद्दे पे आ जाते हैं। कैसे आते, आप ही तो बार बार बाहर जा रहे थे, ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मान जाओ ना। अरे कैसे मानू, कैसे मानू, तो चाय पे चाय, अरे 5 लीटर दूध की तो चाय पी गए और उपासी पे उपासी, गोकुल धाम को विश्राम धाम बना कर रखा था। अरे आप लोगों से रिश्ता तो क्या, चक्कल भी नहीं देखनी आप लोगों की। पोपट बेटे, अरे पोपटलाल जी सुनिए तो,
अरे पोपट बेटा, चलो 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 पोपट पहुंचे। पोपटलाल, अरे पोपट जी, पोपट जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए तो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती है पोपट जी, प्लीज प्लीज प्लीज। पोपट भाई, आई एम रियली सॉरी, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट सारी गलती मेरी है। जब से मैंने आपको टीवी पे देखा ना, तो पापा के सामने मैंने ही जिद पकड़ ली कि आपको अपना मुंह बोला भाई बनाऊं। पोपट भाई, एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है, तो पता नहीं आपको टीवी पे देख के मेरा दिल किया कि मैं आपको अपना भाई बनाऊं। पोपट भाई, आपको जो भी सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए प्लीज। प्लीज हाथ मत जोड़ो बहन, अब से मैं तुम्हारा भाई। और मुंह भूला नहीं, सगे भाई जैसा। थैंक यू सो मच पोपट भाई, इसका मतलब आप मेरी शादी में आएंगे? जरूर आऊंगा। जो भी तारीख फिक्स होगी मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है पोपट बेटे, थैंक यू वेरी मच। शादी का कार्ड छपते ही सबसे पहले मैं तुम्हें देने आऊंगा, और आप सबको भी आना है। चलो चलते हैं। अरे पर मेरा और गुनगुन का पर्स इनके घर में रह गया। हाँ, अरे हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ। थैंक यू सो मच पोपट भाई, और फिर से एक बार सॉरी। हाँ लीजिए। अरे हाँ, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। चलो बाय बाय, चलो बाय पोपट भाई, बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय। अरे पोपटलाल, वो बीडी मास्टर क्या लड़की वाले बैठे थे, उनका क्या हुआ? अरे हाँ, वो तो चट मंगनी पट ब्याह करना चाहते थे। कोई फायदा नहीं, वो लोग भी चले गए। वो लोग भी रिश्ते के लिए नहीं, मेरे छाते के बारे में पूछने आए थे। क्या पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं, क्या जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा। अरे तुम अकेले कहाँ हो पोपटलाल, हम पूरे गोकुलधामवासी ना तुम्हारा परिवार। हाँ देखना पोपट भाऊजी, आपको जल्द ही ऐसे मस्त सुंदर सुशील लड़की मिल जाएगी। बिल्कुल, एकदम जल्दी मिलेगी। सही बात है। सॉरी पोपट भाई, ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। अरे नहीं नहीं अब्दुल, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो गलती है वो मेरे नसीब की है। दिल क्यों छोटा कर रहे हो? सबने कहा ना कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरा तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया है। पता नहीं मेरी शादी कभी होगी भी या नहीं। अरे होगी पोपटलाल, जल्दी होगी, तुम जल्दी घोड़ी चढ़ोगे, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। सही बात है। दोस्तों पोपटलाल की शादी की लॉटरी लगी तो सही, वो भी एक नहीं दो दो, लेकिन उसपे किसी और का नाम लिखा था। कहते ना हाथ को आया लेकिन मुंह को न लगा। बेचारा पोपटलाल जब भी शादी की राह पे चलता है, ये अजीब सी कहावत उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और पीछे चली आती है। एक बार फिर से शादी टूट गई, संजोग नहीं था। कल मैंने आपको कहा था ना, पोपटलाल की शादी की बात फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं करती तो दुख होता है। हमें भी दुख होता है, आपको भी दुख होता है, लेकिन दुख मत मनाइए, क्योंकि याद नहीं तो कल पोपटलाल की शादी होगी तो जरूर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को, उम्मीद पे दुनिया कायम है। भाई पोपटलाल उन लोगों में से नहीं जो नसीब से हार मान जाए और बैठ जाए। भाई आज उसके नसीब में शायद शादी नहीं हो, लेकिन देखते हैं कि नसीब ये मौका कब देता है। जब ये मौका मिलेगा पोपटलाल नसीब से दो दो हाथ जरूर करेगा और संजोग शादी का जरूर बनेगा। भाई आज संजोग हो ना हो, लेकिन आपके घरों में ठाकों का संजोग जरूर बना रहेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.